आत्मनिर्भर भारत का अभिन्न हिस्सा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष में देश भर में मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में करेंगे इस समारोह की अध्यक्षता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, कृतज्ञ राष्ट्र नेताजी के त्याग और समर्पण को हमेशा करेगा याद। कल होगी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की नोवेडोर की वार्ता। वार्ता मोलो पोस्ट पर चीन सीमा में होगी आयोजित। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम ने शिवसागर जिले स्थित दुरांग पाथर में 1.06 लाख भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए। इसका फायदा असम के सभी 34 जिलों में रह रहे गरीब भूमिहीन लोगों को मिलेगा। जमीन के पट्टों के मिलने से न सिर्फ ये भूमिहीन परिवार आत्मनिर्भर बन सकेंगे बल्कि नए भारत के निर्माण में भी कदम से कदम मिलाकर नई रोशनी बिखेरेंगे। असम में 2016 में 5.75 लाख मूल निवासी परिवार भूमिहीन थे। सरकार ने मई 2016 से 2.28 लाख आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने नेताजी को नमन करते हुए कहा, आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। आज के दिन को पूरा देश हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। उन्होंने कहा, एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। मां भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। पीएम मोदी ने कहा, 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। पीएम ने कहा, इसके साथ ही आज के दिन स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा के 3 प्रतीकों का समागम हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। आज के दिन स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा के 3 प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है। आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मूल निवासियों के अपनी जमीन से जुड़ाव को कानूनी संरक्षण दिया गया। ये काम ऐतिहासिक शिवसागर में जेरेंगा पठार की धरती पर हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्वोत्तर राज्य का तेज विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर असम का रास्ता असम के लोगों के आत्मविश्वास से होकर गुजरता है। पीएम ने कहा, बीते सालों में असम में इन पर अभूतपूर्व काम हुआ। पहले की सरकारों में आपकी ये चिंता उनकी प्राथमिकता में ही नहीं थी, लेकिन
सर्बानंद सोनोवाल जी उनके नेतृत्व में यहां की सरकार ने आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया। आज असम के मूल निवासियों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ भूमि से जुड़े उनके अधिकारों को सुरक्षित करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। पीएम ने कहा, पूरी दुनिया में भारत में बने टीके की मांग हो रही है। साथ ही पीएम ने लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की। आत्मनिर्भर भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट का तेज विकास, असम का तेज विकास बहुत ही आवश्यक है। आत्मनिर्भर असम का रास्ता असम के लोगों के आत्मविश्वास से होकर गुजरता है, और आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब घर परिवार में भी सुविधाएं मिलती है और राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरता है। बीते सालों में इन दोनों मोर्चों पर असम में अभूतपूर्व काम किया गया है। असम में लगभग 2.25 करोड़ गरीबों के जनधन बैंक खाते खोले गए। इन्हीं खातों के कारण कोरोना के समय में भी असम की हजारों बहनों और लाखों किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद भेजना संभव हो पाया है। पूरी दुनिया में भारत में बने टीके की डिमांड हो रही है। भारत में भी लाखों लोग अब तक टीका लगा चुके हैं। हमें टीका भी लगवाना है और सावधानी भी जारी रखनी है। मुझे विश्वास है कि असम अब टीकाकरण के अभियान को भी सफलता के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरा असम वासियों से भी आग्रह है कि कोरोना टीकाकरण के लिए जिसकी बारी आए वो टीके जरूर लगवाएं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों और उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ये पीएम मोदी के प्रोत्साहन और समर्थन का परिणाम है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग पूरे देश में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। असम के जो विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जो विकास हो रहा है, इसके पीछे आपका आशीर्वाद और सहयोग है। आपने असम और उत्तर पूर्व को हौसला और हिम्मत दिया, साहस दिया, सहयोग दिया, जिसके वजह से आज हमने अपना पहचान देश के अंदर बनाने में सफल हुए। आज मां भारती के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र पूरे हर्षोल्लास के साथ नेताजी को याद कर रहा है। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे सुभाष बाबू युवावस्था में ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने और भारत को स्वतंत्र कराने का आत्मसंकल्प ले राष्ट्र कर्म की राह पर चल पड़े थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का क्रांतिकारी नारा देकर देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह केवल एक नारा नहीं था। इस नारे ने भारत में राष्ट्रभक्ति का वो ज्वार पैदा किया जो भारत की स्वतंत्रता का आधार बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर हुआ था। पिता जानकीनाथ बोस शहर के मशहूर वकील थे। अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद सुभाष ने रिवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। वर्ष 1919 में
बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके सुभाष ने अपनी योग्यता का परिचय दिया, लेकिन राष्ट्र के लिए अटूट प्रेम के कारण सुभाष अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सके और सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चितरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया। वर्ष 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण उन्हें मांडले कारागार में भेज दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की वीरता की गाथा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई देती है। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि भारतीय उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में बोस फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और युद्ध के लिए भारतीय कैदियों से भारतीय सेना का गठन किया, जिन्होंने धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान द्वारा बंदी बनाए जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी। आजाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 में जर्मनी में किया गया था। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। इस रेडियो पर बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। देश को जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आज सारा भारत पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर का अनावरण किया। तस्वीर का अनावरण नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर देश भर में साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत के रूप में किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार को उद्धृत करते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा, अपनी आजादी की कीमत अपने खून से चुकाना हमारा फर्ज है। जो आजादी हम अपने त्याग और बलिदान से हासिल करेंगे, उसे हम अपनी ताकत के बल पर सुरक्षित रख सकेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ त्याग और पराक्रम को नमन। नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्र के लिए पराक्रम और समर्पण ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें नमन किया। पीएम ने ट्वीट में कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पराक्रम दिवस का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय और विक्टोरिया मेमोरियल में दो समारोहों की अध्यक्षता करेंगे। आज दोपहर कोलकाता पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुस्तकालय में कलाकार दीर्घा का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे नेताजी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री आजाद हिंद फौज के जीवित सेनानियों को सम्मानित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नेताजी के पत्रों के संकलन पर बनी पुस्तिका का अनावरण भी करेंगे। साथ ही नेताजी पर डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में नेताजी भवन का भी दौरा करेंगे। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह की ये रिपोर्ट।
और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पक्की होगी बुनियादे तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो बच्ची बात करो, पहल करो, शुरुआत करो, करो तो बच्ची। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बड़ो 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 मेरे संग, इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के मौके पर कोलकाता में पराक्रम दिवस का शुभारंभ करेंगे। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट। पूरा देश नेताजी की 125वीं वर्षगांठ मना रहा है और हम इस समय है आजाद हिंद फौज की पूर्व सेनानी। आप किस रेजिमेंट में थी और उस रेजिमेंट को आपने कैसे ज्वाइन किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जापान आए, हम मिलने गए और उसके उसमें हमने मेरी बहन और मैं, हमने बोले कि हम लोग भी आपके साथ चलेंगे और आर्मी में ज्वाइन करेंगे। उस समय रानी झांसी बना तो नहीं था, लेकिन बात तो हो रही थी तो हम भी जाएं। नेताजी के बारे में बताइए कि वो देखने में कैसे लगते थे, बात बोलने में कैसे थे, कैसा व्यक्तित्व था उनका? उनके हंसी तो एकदम लगता है चाइल्ड लाइक स्माइल जिसको कहते हैं, एकदम नरम चरम, एकदम उनके भीतर में भावुकता तो थी ही। और वो देखने, वो अपने सिपाहियों के लिए, अपने आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स के लिए जान देने को तैयार कर रहे। देश के बारे में क्या भावना थी नेताजी? नेताजी तो देश ही के वजह से तो सब कुछ किया शुरू से। उन्होंने, वो जान गए थे कि ये अंग्रेजों के क्रोकोडाइल टीयर्स के से धोखा नहीं खाना है। ये थी भारती सहाय चौधरी, आईने की पूर्व वेटरन, और ये मानती हैं कि आगे आने वाले युवा, आने वाली पीढ़ी नेताजी से सीख लेगी। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज, कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आज संसद के केंद्रीय कक्ष में उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सहित अन्य सांसदों ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आज गुवाहाटी में नेताजी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेताजी ने देश को एक करने का काम किया। सुभाष बाबू एक ओजस्वी विद्यार्थी, जन्मजात देशभक्त, कुशल प्रशासक, कुशल संगठक और सबसे संघर्षशील नेता थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, तब देश भर के युवाओं को आशा बंधी थी कि कुछ ही समय में देश आजाद हो जाएगा। आज ये राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। आने वाले दिनों में लाखों बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर देश के विकास के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान देते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराक्रम दिवस मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच सीमाई क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना के पीछे हटने को लेकर कोर कमांडर स्तर की अगले दौर की वार्ता कल होगी। नवे दौर की वार्ता का आयोजन कल सुबह चीन के मोल्डो में किया जाएगा। इससे पहले आठवें दौर की वार्ता का आयोजन पिछले साल 6 नवंबर को लद्दाख के चुशुल में किया गया था। और हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सुधीर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विस्तार से जानकारी है इस बारे में। रमा, देखिए कल सुबह मीटिंग होगी। ये अमूमन जो समय है वो करीब 11 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू होती है, जिस तरह का मौसम है उस लिहाज से कहा जाए। लेकिन सबसे खास बात ये है रमा कि इस मीटिंग में जिस तरह से जो पिछले डिस्कशन रहे हैं और खासतौर पर दोनों तरफ से जो कोई कंसेंसस नहीं बन पाया कि चीजों को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए, उसके मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है कि इस बार लेकर जो चीजें हैं वो दोनों पक्ष आके जिस तरीके से डिस्कशन चलता जा रहा है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और जो सेनाओं के पीछे हटने को लेकर जो वास्तविक स्थिति है उस पर चर्चा होगी। रमा, जिस तरीके से भारतीय पक्ष लगातार अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत बनाते हुए लगातार जो मजबूत स्थिति है वो सामने रखता रहा है और भारतीय पक्ष ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया कि जब तक चाइनीज एक्शन जो है वो जमीनी स्तर पर मौजूद दिखाई नहीं देगा तब तक जो भारतीय पक्ष है वो अपनी जो स्थिति है उसके पीछे नहीं हटेगा। तो अभी तक जो भारतीय स्टैंड है वो लगातार यही बना हुआ है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो नवे दौर की वार्ता है इसमें जो कुछ कंसेंसस है वो बनकर आगे निकलेगा, जिससे कि जो डिसएंगेजमेंट के जो प्रोसेस है उसको और आगे बढ़ाया जा सके। रमा, बिल्कुल सुधीर, नजर बनाए रखिए, काफी अहम है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण अधिवेशन पर दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चलने वाले दो दिवसीय इस अधिवेशन में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ साथ विभिन्न विकासात्मक पहल और भविष्य की योजनाओं के कार्यों से जुड़े चुने हुए केंद्रीय मंत्रालयों की प्रस्तुतियां दिखाने का कार्यक्रम है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह और पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद हैं। नेताजी की 125वीं जयंती पर गोवा में आयोजित इफ्फी समारोह में नेताजी पर एक फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्योतिका ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी ज्योतिका, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल रमा, आपने सही कहा, इफ्फी अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है और दुनिया भर से 60 देशों की फिल्में यहां पर दिखाई गई हैं और इंडियन पैनोरमा सेक्शन में भी बहुत सी देश भर की फिल्में हैं जो विभिन्न लैंग्वेजेस में दिखाई जा रही है। लेकिन आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मना रहा है पराक्रम दिवस के रूप में और इसमें इफ्फी भी पीछे नहीं है। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो 2004 की एक फिल्म थी उसको दिखाया जाएगा, इसकी स्क्रीनिंग शाम में होगी।
हम सभी जानते हैं श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म है और इसमें कई बड़े कलाकार हैं, जैसे कि सचिन खेडकर है, कुलभूषण खरबंदा है, रजत कपूर है, आरिफ जकारिया, दिव्या दत्ता और भी कई बड़े कलाकार इसमें हैं। और जिस सन में ये फिल्म रिलीज हुई थी हम सब जानते हैं, उसी साल इस फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन मिला था। और स्क्रीन की गई थी फिल्म रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन में, इंडिपेंडेंस डे फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था 2016 में, तब भी इस फिल्म को उसमें शामिल किया गया था और काफी ज्यादा चर्चित थी ये फिल्म जब ये आई है। और इसमें नेताजी की तमाम जो भी जीवन रहा है उनका, उनकी तमाम यात्राएं रही और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स उनकी लाइफ से जुड़े हुए हैं वो सब इस फिल्म में दर्शाए गए हैं बेहद खूबसूरती से। और आज हम इसी में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे दर्शक इस फिल्म के बारे में इंक्वायर करते नजर भी आए कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग कब है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं अपने हीरो को बड़े पर्दे पर एक बार फिर से। तो काफी उत्साह है लोगों में इस फिल्म को लेकर। बिल्कुल ज्योतिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।